नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जज ज़िले के गांव खानपुर खुर्द में। आप देख सकते हैं आज चुनाव का माहौल है और यहां पे भारी संख्या में लोग मत डालने के लिए आए हुए हैं। तो हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग हैं, आइए पूछते हैं इनसे वार्ड नंबर 15 के अंदर किस उम्मीदवार की जो हवा है वो चल रही है। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनराज। आप क्या करते हैं? मैं तो मिस्त्री का काम करता हूँ। तो किस उम्मीदवार की हवा है वो वार्ड नंबर 15 के अंदर चल रही है? बहुत बढ़िया, एक नंबर। किसकी चल रही है, कौन उम्मीदवार है जिसकी हवा है वार्ड नंबर 15 के अंदर? वार्ड नंबर 15 के अंदर जोगिंदर की हवा। ऐसा क्या खास है जोगिंदर के अलावा? जोगिंदर एक सबसे, जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें सबसे पढ़ा लिखा और किसानों का हितैषी है, आम आदमी का मतलब इससे बढ़िया जुड़ाव है और इसे प्रेम है वार्ड को, पूरे वार्ड को, 12 गांव है इनमें सबसे बढ़िया। क्यों है इतना प्रेम, क्या किया जोगिंदर के अलावा? जोगिंदर के अलावा ने मतलब हर आदमी के दुख सुख में शरीक रहता है ये हर टाइम, और जो है ना आम इसी से जनता इससे जुड़ रही है सारी। अगर हम जोगिंदर के अलावा के इतिहास की बात करें, क्या वो पहले भी किसी राजनीति में कोई चुनाव लड़ चुके हैं या पहली बार भी अपना ही वर्चस्व कायम करना चाहते हैं? नहीं, पहली बार है इसमें और ज़्यादा नहीं रहे। ये तो किसान आंदोलन था, उसमें इसने बड़ा सहयोग किया है। और किस प्रकार का सहयोग किया है किसान आंदोलन के अंदर? दूध, दही, लस्सी, पानी, जो भी गाड़ी जन जोड़ना और जो है उनकी बात को आगे रखना, वो इसने बहुत बढ़िया काम किया। अभी आप ये कह रहे थे कि जोगिंदर गहलावत है वो काफ़ी पढ़े लिखे इंसान है, कितनी पढ़ाई की है? कितनी पढ़ाई की है भाई? एमएससी। अच्छा, एमएससी। हाँ, चलिए। और भी हमारे साथ इस वक्त बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का और किसकी हवा है? माहौल जी चल रहा है, मैं कई गांवों में घूम के भी आया हूं। यहां मेरे गांव में खानपुर में 70% का चला 70% जोगिंदर सिंह गहलावत के पक्ष में वोटिंग, और बहू में, बहू बड़ा गांव है, 60% जोगिंदर, 40% में ऑल ए कैंडिडेट बाकी के। हाँ, जामरी में 70% से ऊपर 80 तक हम बोल सकते हैं, लेकिन 70 से मैं तो कोई रोड़ा नहीं जामरी में जोगिंदर के पक्ष में। शेरंगा में एक नंबर फर्स्ट क्लास चल रहा है, ढरानवास में कट्टे की टक्कर है, खोरडिया क्या नाम, प्रदीप शिव कुमार की, इसकी खोरडा में शिव कुमार का है, बाकी सब जगह जो है बहू में, गोरिया में, सब जगह नंबर एक पर चल रहा है। ये बनेगा होनहार लड़का है और स्पष्ट है, पढ़ा लिखा भी अच्छा है और करप्शन कितनी पढ़ाई की है? एमएससी किया है, एमएससी किया है, करप्शन की तरफ जाने वाला आदमी नहीं है, स्पष्ट है। नहीं, ऐसे में खानपुर खुर्द से दो कैंडिडेट हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं? हम देखते हैं, एक कैंडिडेट तो हमारे गांव का ही है, वो सरपंच था, उसको हमने सब कंडीशन देखी, इसकी कोई कंडीशन देखी नहीं है अभी तक, लेकिन हमको इस पर विश्वास है कि सबसे सुपर और बेस्ट काम करेगा। पहले वो सरपंच रहे मुन्ना, हाँ, मुन्ना लाल पहले सरपंच रहे, क्या हाँ, उन्होंने विकास कार्य नहीं किया है? उसने भी किया है विकास, लेकिन उससे लोग कुछ काम नहीं किए, उससे नाराज है। इस प्रकार का काम नहीं किया उन्होंने, जो लोगों के जो नाराज, इसीलिए तो वोट नंबर दो पर बार बार एक ही कैंडिडेट को कोई नहीं बंद के बैठेगा, कभी सब हमेशा उसको ही वोट दें, दूसरे का भी नंबर चाहिए, इसलिए उसके 30% ही वोट बनेंगे या उससे ऊपर नहीं बनेंगे। अच्छा। हाँ जी, तो आपका सिर्फ स्पष्ट ये कहना है कि अब की बार जोगिंदर मैदान के अंदर, जोगिंदर जोगिंदर नंबर एक पे सब जगह। अच्छा, जोगिंदर ढलानवास में मुकाबला है सिर्फ, और खोलडा में नहीं है मुकाबला जोगिंदर का, बाकी सब जगह एक नंबर। ऐसे में और जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर हमें चुना जाता है जनता के द्वारा, वार्ड नंबर 15 की जनता के द्वारा, तो इस क्षेत्र को चंडीगढ़ बना देंगे, ये कर देंगे, ये कोई स्टेडियम बनवाने के लिए कह रहा है, कोई रोडों की व्यवस्था के लिए कह रहा है, तो जोगिंदर गहलावत ने क्या वादे किए हैं लोगों से? जोगिंदर ने ऐसे कोई, लेकिन विकास जितना भी होगा फूल कराएगा, पैसा नहीं खाएगा, खास बात उसकी ये है। इसकी क्या गारंटी है कि पैसा नहीं? गारंटी है, इसके बाप भी था पहले राजनीतिक में, ये नहीं था, ये आया है,
तो इसने किसान आंदोलन बहुत बड़ा काम किया, गांव की तरफ से भी सहयोग करके उनका फुल सहयोग किया, इसकी काम देख लिया लोगों ने। ईमानदार आदमी है, छवि अच्छी है, पढ़ा लिखा अच्छा है और किसी से इसका घर्षण नहीं है, किसी उम्मीदवार से भी नहीं है, किसी गांव के आदमी से भी नहीं, सबसे स्पष्ट ये बात है। कुछ साथी और भी मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। हाँ भाई साहब, कैसा माहौल है चुनाव का गांव के? माहौल भाई जोगिंदर प्लस में चल रहा है फिलहाल, जोगिंदर सिंह गहलोत। ऐसी क्या खास बात है जोगिंदर गहलोत? बात ये है, जैसे जो दूसरा कैंडिडेट था गांव से, वह जो सरपंच रह चुका है और उसका बिहेवियर नेचर, जो उसका काम करने का तरीका है, वो लोगों ने देख लिया और उसकी वजह से एक तरफा रुझान आ रहा है हमारी तरफ। हाँ, 5 साल तक उसका देख लिया, 6 साल बल्कि जिन उम्मीदों से उसको सरपंच बनाया था उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा वो। उसके साथ ही जोगिंदर गहलोत की तरफ से क्या वादे किए गए हैं लोगों की, किस प्रकार समस्याएं सुनी जाएंगी, उनका समाधान किया जाएगा? वादे जो करे हैं वो पूरे करेगा। बाकी इसने ज़्यादा किसी को मतलब ये बड़ा चढ़ा के कि मैं आपका ये करवा दूंगा, इसने ये कहा है जिस टाइम आपकी जो समस्या होगी शिक्षा के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें ये वादे किए गए और वो पूरे होंगे, उम्मीद नहीं पूरी विश्वास है। चलिए, आप भी कुछ कहना चाहेंगे जोगिंदर गहलोत के बारे में? ये थे हम, इस वक्त हम मौजूद थे खानपुर खुर्द गांव में और हमारे साथ ये कुछ ग्रामीण मौजूद थे जिनके द्वारा बताया गया कि गांव के अंदर किसकी जीत है, जो यहां पे जोगिंदर गहलोत का जो समर्थन है वो पूरी तरह से 30-70 का आंकड़ा लोगों के द्वारा बताया गया है। कैमरामैन नवीन के साथ मैं बोली, आप देख रहे थे एक्सप्रेस। धन्यवाद।